चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के इस 99वीं ई संगोष्ठी वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि हमारे सेक्रेटरी साहब प्रवास पर हैं, तो इसलिए ये दायित्व तो मुझे वन जी को उन्होंने सौंपा है। तो आज का जो हमारा वेबिनार है उसमें बहुत ही समृद्ध पैनल हमारे साथ मौजूद है, ये हमारा सौभाग्य है। आज का जो विषय है वो ये कार्यस्थल पर महिलाओं की चुनौतियां, पेशेगत संतुलन और बाल विकास, देखभाल और मातृत्व, इस बुनियादी विषय पर केंद्रित है। इस विषय पर हमारा प्रबोधन करने के लिए हमारे पैनल में श्रीमती रक्षा दुबे जी हैं एवं श्रीमती माला सिंह ठाकुर जी हमारे बीच जुड़ी हैं। मैं फाउंडेशन की ओर से दोनों विद्वान वक्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रीमती रक्षा दुबे जी इससे पहले भी हमारे मध्य एक वेबिनार में जुड़ चुकी हैं और यदा कदा हम उन्हें सुनते रहते हैं विभिन्न माध्यमों से। आप सहायक आयुक्त जीएसटी मध्य प्रदेश के पद पर पदस्थ हैं, लेकिन आपका परिचय सहायक आयुक्त से बड़ा और महत्वपूर्ण ये है कि आप एक संवेदनशील कवि, लेखक और मार्गदर्शक भी हैं। समाज के विविध आयामों पर उनकी बहुत गहरी पकड़ रहती है और उतनी ही सशक्त और प्रभावी अभिव्यक्ति की वे मालिक हैं। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारा प्रबोधन और हमारे इस विषय वस्तु पर हमारे ज्ञान को समृद्ध, जानकारियों को समृद्ध करने का पुनीत कार्य वह करने वाली हैं। मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ आदरणीय रक्षा दुबे जी से आग्रह करता हूँ कि वह आज के इस सेमिनार को संबोधित करने की कृपा करें। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते और चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार जो उन्होंने इस जरूरी विषय पर इस बातचीत को यहाँ पर आयोजित किया है। इस विषय को बेहद जरूरी मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि विभिन्न कारणों से महिलाएं आगे आई हैं, कार्य क्षेत्र उनके बदले हैं, लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके की छटपटाहट, जिस तरीके का एक तकलीफ, जिस तरीके की एक कुछ विडंबनाएं हमारे सामने आती हैं, उसको लेके मुझे बार बार ये लगता है कि इस विषय पर बातचीत लगातार होनी चाहिए और एक जरूरी तौर पर महिलाओं की जिम्मेदारियां चूंकि बड़ी हैं तो उनकी समस्याओं को भी जरूरी समस्याओं के तौर पर सुना जाना चाहिए। आज चूंकि यहाँ पर जो पैनल जुड़ा हुआ है ये सब प्रबुद्ध जन है तो मैं विषय पर केंद्रित रहते हुए अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। कार्य क्षेत्र और परिवार के बीच में संतुलन, यह लगभग लगभग ऐसी स्थिति है कि हम एक ही मुंह से हंसने और एक ही मुंह से रो लेने की दोनों घटनाएं एक साथ करना चाहते। हमारे पास में कार्य क्षेत्र महिलाओं का अब केवल इतना सीमित नहीं रह गया है कि वे घर परिवार से इतर कहीं पर नर्सिंग कर रही हैं या बैंकिंग कर रही हैं या उन स्थानों पर बस जा रही हैं जहां पर सुरक्षा के तमाम उपाय हैं या जहां पर उनके लिए करने के कुछ सीमित काम है या उनके पास कार्य के सीमित घंटे हैं, लेकिन अब हमें उन स्थानों पर भी महिलाएं देखने के लिए मिल रही हैं जहां पर असीमित कार्य हैं, भिन्न भिन्न चुनौतियों वाले कार्य हैं, अलग अलग तरीके के नेचर वाले कार्य हैं। ऐसे समय पर एक महिला जो कि गृहिणी के स्वरूप में अपने घर में रहती है या माता के स्वरूप में रहती है, पत्नी, बहन, भौजाई के स्वरूप में रहती है, लेकिन जैसे ही वह कार्य क्षेत्र में अपने प्रवेश करती है वह एक अथॉरिटी के रूप में होती है, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में होती है, पुलिस के रूप में होती है, तो उसमें जो एक उनके भूमिकाओं का अंतर हमें देखने के लिए मिलता है, उस भूमिका के गतिरोध देखने के लिए मिलते हैं, उन भूमिकाओं के बीच में संघर्ष देखने के लिए मिलते हैं, उन पर बार बार बातचीत किया जाना जरूरी हो जाता है। हम जिस समाज में रहते हैं हमारे पास बुद्धिमती महिलाओं की एक बड़ी लंबी रेजीम रही है, अपाला, लोपा, घोषा से लेकर के, भारती से लेकर के, अवनी से लेकर हिमा दास तक हमारे पास एक लंबी रेजीम है जिसमें महिलाओं ने बहुत पूरी ताकत के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पर आधुनिक चेतना संपन्न या मुक्ति कामी स्त्री के लिए का संघर्ष कैसा है,
क्या मुक्ति का आशय अपनी जड़ों से मुक्ति पा लेना है? क्या किसी पेड़ के लिए जड़ों से मुक्त हो जाना उसका मुक्त हो जाना होता है, जड़ विहीन हो जाना मुक्त हो जाना होता है? इसलिए इस बिंदु पर बार बार बात किया जाना जरूरी होता है। किसी जड़ों से आजादी पेड़ के लिए कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती। तो उस मुक्ति की जब हम बात करते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो बार बार एक स्टीरियोटाइप है, सोशल स्टीरियोटाइप है, जो हमें बार बार पीछे की ओर खींचता है। विभिन्न प्रभावों के कारण आर्थिक स्वतंत्रता आज के दौर पे महिलाओं की जरूरत भी है, और आज के दौर की महिलाओं की जरूरत भी है, और आज के दौर के समाज की जरूरत भी है। जिस तरीके के हम समाज में जी रहे हैं, अपनी मूल प्रकृति में मैं लिंग निरपेक्ष और योग्यता आधारित समाज की हिमायती हूँ। जिसके पास जो योग्यता हो उसको उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य मिले। और जब मैं लिंग निरपेक्ष समाज की बात करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं कॉम्पिटेंट एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रही होती हूँ कि जेंडर शून्य होना, जेंडर विहीन होना, या एक कॉम्पिटेंट जेंडर का डेवलपमेंट करना, ये अलग अलग बातें हैं। तो जब भी हम इस तरीके की चर्चाओं में पढ़ते हैं, तो शब्दों को लेकर सतर्कता रखते हुए मैं एक कॉम्पिटेटिव एस्टैब्लिशमेंट की बात करती हूँ, जहाँ पुरुष और महिलाएं पूरक रूप में हमें दिखाई देना चाहिए या दिखाई देंगे, तो हम उन लक्ष्यों की ओर, उन अभीष्टों की ओर बढ़ पाएंगे जो वास्तव में हमारे लिए जरूरी है और जिनके लिए हम काम करना चाह रहे हैं। जैसे जैसे महिलाओं ने घर से बाहर कदम रखा, उनकी जो एक भूमिका थी, परिवार की भूमिका थी, उससे वे आगे आई, तो उनके पास में एक रोल कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम सबसे पहला उत्पन्न हुआ। रोल कॉन्फ्लिक्ट है, रोल एडजस्टमेंट है, रोल विपर्यय है। भूमिकाओं के कई कई बार परिवर्तन भी होते हैं। एक महिला जो अपने घर में सुबह रोटी पानी करके जा रही होती है, गृहस्थी के काम करके जा रही होती है, तुरंत वो वहां पर पहुंचती है, अपने घर में बुजुर्गों की देखभाल करके दफ्तर पहुंच रही होती है, और दफ्तर पहुंचते ही उसके मान लीजिए अधीनस्थ 20-30 लोग होते हैं, तो उनके ऊपर उसे एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से काम करना है। जहाँ यहाँ पर वह बुजुर्गों का आदेश सुनकर के घर से निकलती है, वहां जाकर उसे उन सबके लिए काम को बांटना है, उनके लिए एक अथॉरिटी का काम करना है, परिणाम उत्पादक की भूमिका में है वो। तो इस तरीके से इस समय दोहरी जिम्मेदारियों से महिलाएं छटपटा के रह जाती हैं। मेरा निजी तौर पर भी ये अनुभव है कि कहीं कहीं पर इस तरीके की भूमिकाओं में महिलाएं बड़ा सफोकेटेड फील करती हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस करती हैं, बहुत अधिक दबाव महसूस करती हैं। एक तो स्टीरियोटाइप को तोड़ के आगे बढ़ना, ऊपर से परिणाम का दबाव, गुणवत्ता का दबाव, बहुत सारे ऐसे दबाव होते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को वैसा रहने नहीं देते जैसा उनसे अपेक्षित होता है। कहीं ना कहीं वो इस बात का कि मनोवैज्ञानिक दबाव में भी रहती हैं महिलाएं, कि उन्हें उनके भीतर इस तरीके की जैविक संरचना है कि वे मातृत्व को साथ लेके चल रही हैं, संतान के पालन पोषण को साथ लेके चल रही हैं, परिवार को साथ लेके चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके टाइम में जो कटौती होती है, उनको उनको दी जाने वाली सेवाओं में जो कटौती होती है, वह भी इस महिला के ऊपर एक अनावश्यक दबाव क्रिएट कर देता है। कार्यस्थल पर जो महिला पहुंच जाती है, वह महिला कितने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ करके वहां पर पहुंच रही है, इस सब के बावजूद खुद कार्यस्थल पर महिलाओं की स्थिति मुझे कहते हुए थोड़ा खेद होता है, लेकिन बात यह सच है कि अभी भी अपेक्षित नहीं है। जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। मान लीजिए कोई एक कॉन्क्लेव होता है, अभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कोई एक बड़ा जीएसटी कॉन्क्लेव चल रहा हो, तो वहां पर महिलाओं और पुरुषों की बैठक व्यवस्था अलग अलग कर दी जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न ये रेखांकित करने लायक रहता है कि सामाजिक स्तर पर इस प्रकार से अलग अलग बैठाया जाना उस समरसता को बनाए, समूह की समरसता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन जहां पर हायरार्की हो वहां पर अगर आप जेंडर के आधार पर बैठाने की व्यवस्था कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपेक्षित परिणामों से वो तंत्र अपने आप को विमुख कर लेता है। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं। फील्ड पर महिलाओं की कम से फील्ड जॉब्स जो है वहां पर महिलाएं अभी भी हमें बहुत कम देखने के लिए मिलती हैं। बड़ी अपेक्षित सी स्थिति बन जाती है अगर हमें फील्ड पर 2-4 महिलाएं काम करने के लिए मिल जाए, तो हमें लगता है कि अरे ये तो आज का दिन बन गया, समझिए कि 2-4 फीमेल ऑफिसर्स वहां पर दिखाई दे। तो
तो कहीं ना कहीं जब हम गुणवत्ता मूलक समाज की ओर बढ़ते हैं तो इस प्रकार की छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमारे आड़े आती रहती हैं। एक तरफ परंपरागत भूमिकाएं छोड़ करके महिला आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ उसे आधुनिक भूमिकाओं को अपनाना है, तो दोनों भूमिकाओं के बीच में असामंजस्य की स्थितियां कई बार पैदा हो जाती है। वर्क प्लेस पर अभी भी कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि बड़ी चुनौतियों को या बड़े निर्णयों को महिलाओं पर छोड़ा जाना किंचित तकलीफदेह हो सकता है, या ऐसी जगहों पर जहां पर व्यापक फलक पर निर्णय लेने होते हैं तो वहां पर एकदम से किसी महिला को देने में अभी भी थोड़ा संशय पैदा होता है, अभी भी वो संशय देखने के लिए मिलता है, भले ही वो उच्च पदस्थ महिला क्यों ना हो, उस स्थान पर बैठकर उसके द्वारा लिए गए निर्णयों को आज भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। ये मेरा निजी अनुभव भी है और कई बार उस संदेह को दूर करने के लिए, उस बात को प्रूफ करने के लिए उस महिला अधिकारी को या महिला कर्मी को अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है, अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, कदम कदम पर खुद को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रयास करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कि मुझे लगता है कि कार्यक्षेत्र और परिवार के बीच का जो समन्वय है वो और ज्यादा गड़बड़ाने लगता है, और ज्यादा महिलाओं से यह अपेक्षित होता है कि वे इधर से भी एक परफेक्ट वेमेन के तौर पे आती हैं, उधर पर भी एक परफेक्ट वेमेन के तौर पे आती हैं। जितने सारे हम आज के दौर के टीवी सीरियल्स, तमाम वेब सीरीज या फिल्में इत्यादि देखते हैं, उनमें भी एक बड़ी आदर्श छवि बनाई जाती है, आदर्श माता, एक्सलेंट कामगार या एक्सलेंट अधिकारी। वास्तव में पूर्णता या एक्सलेंस जैसा जैसी बात कुछ होती नहीं है। इस जगह पर हमें बार बार ये समझना चाहिए कि हम कितनी जल्दी इन स्टीरियोटाइप से बाहर आ जाए। यदि हम किसी से एक्सलेंट होने की अपेक्षा लगाते हैं तो विज्ञान भी ये कहता है कि वैसे परिणाम तभी मिलते हैं जब आप वैसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, तो अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं होगी तो परिणाम भी अपेक्षित प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो इस समय महिलाएं जो हैं वो किन किन प्रकार के दबावों से होकर गुजरती हैं, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए हमें बार बार इस बात पर लौटना होता है कि उन्होंने अपने पीछे छोड़ा क्या है। जब कोई महिला बाहर निकलती है घर से तो वो एक परिवार को, एक पूरी यूनिट को छोड़ करके आगे बढ़ रही होती है। मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर ये कह सकती हूँ कि चूंकि वो एक माँ भी है, पत्नी है, उसके साथ एक पूरी यूनिट परिवार के तौर पे जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं वह इस बात की खलिश को लेकर के दफ्तर पहुंचती है कि वो अपने बच्चे को पर्याप्त समय नहीं दे पा रही है। बच्चे के पालन पोषण में उसको जितना सहयोग करना चाहिए था वैसा वो नहीं कर पा रही। इस तरीके से जो पीछे रह गए लोग हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो अलग तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं, एकाकीपन से जूझ रहे होते हैं, उन्हें जब अपने माता पिता के सहयोग की, मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है तो कई दफा वे उसे प्राप्त नहीं होता है। लेकिन इससे दीगर मैंने एक और बात नोटिस की है कि ऐसे बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, वे एनालिटिकल अप्रोच से भरे पूरे रहते हैं, उन्हें पता होता है कि जब माता पिता हमारे पास में नहीं है तो हमें निर्णय लेने के लिए किन तर्कों के सहारे आगे बढ़ना है। तो वह भी एक बात हम देखते हैं कि अगर एक तरफ चुनौतियां आती हैं तो दूसरी तरफ उसके समाधान भी आते हैं हमारे सामने। और कार्यक्षेत्र पर मैंने ये भी देखा कि महिलाओं को आज भी, विवाहित महिला, तलाकशुदा महिला, परित्यक्ता महिला, विकलांग महिला, विधवा महिलाएं, महिलाओं के अंदर भी कैटेगराइजेशन बहुत सारा है। और यकीन मानिए कि जिस प्रकार की महिला है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आती हो, उसकी समस्या उस स्थान पर सबसे बड़ी समस्या है। हम बार बार ये भूल जाते हैं कि वे अगर काम करने के लिए आ गई हैं, इस स्थान पर पहुंच चुकी हैं, तो यहाँ पर आ जाना ही पूर्णता नहीं है, बल्कि उनकी योग्यता का समाज के हित में सर्वोत्तम उपयोग किया जा पाना उस तंत्र की सफलता हो। ऐसे समय पे, ऐसे चुनौतीपूर्ण समय पर हम बार बार एक तरीके के रोल कॉन्फ्लिक्ट को देख रहे होते हैं। एक तरफ हम रोल एडजस्टमेंट को देख रहे होते हैं, एक तरफ हम रोल रिवर्स को देख रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड स्थिति इस समय महिलाओं की दोहरी भूमिका के संदर्भ में हमारे बीच में बनी हुई है। महिलाओं कार्यस्थल पर
महिलाएं हैं उन्हें बार बार इस चुनौती को भी देखना पड़ता है कि वे जज की जाती हैं, पोशाक के स्तर पर, चाल चलन के स्तर पर, बातचीत के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, हंसी मुस्कुराहट के स्तर पर, सुरक्षा के स्तर पर, हर जगह हम उन्हें जज कर रहे होते हैं। कभी उन्हें महिलाएं जज कर रही होती हैं, कभी उन्हें पुरुष जज कर रहे होते हैं। तो ये जो एक जजमेंटल टेंडेंसी डेवलप होती है वह भी कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आती है। अब सवाल ये होता है कि चुनौतियां इतनी सारी हैं तो उनसे निराकरण के हमारे पास भी कुछ ना कुछ उपाय होने चाहिए। भले ही हमने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया है, लेकिन कहते हैं ना कि वही कतरा के जिंदगी से गुजर जाऊं क्या करूं, रुसवाइयों के खौफ से मर जाऊं क्या करूं, मैं क्या करूं कि तेरी अना को सुकून मिले, गिर जाऊं, टूट जाऊं, बिखर जाऊं क्या करूं। फिर आके लग रहे हैं परों पे हवा के तीर, परवाज अपनी रोक लूं, उड़ जाऊं क्या करूं। तो ये जब क्या करें सवाल है, ये सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आज कामकाजी महिला के सामने मुझे दिखाई देता है। क्या हो सकता है? हो ये सकता है कि महिलाएं सेल्फ डिसिप्लिन की आदत डालें। आत्मनुशासन की आदत अगर किसी महिला में होती है तो वह टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट, इन सब के साथ मैनेज करते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन फिर मेरा वही कहना है कि हमें जो हमारा स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि कार्येषु दासी, कर्मेषु मंत्री, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, इसके स्टीरियोटाइप से बाहर निकलना होगा। और इस स्टीरियोटाइप से महिलाओं को बाहर निकालने का काम सबसे पहले हमारे पितृवर्ग की जिम्मेदारी पर आता है। जब हम बार बार ये बात कहते हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए, तो हाँ, एक बार पुरुष वर्ग को हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें उस स्तर तक लाकर खड़ा करना चाहिए। महिलाएं आत्मनुभव से काम करें, छोटे छोटे कारणों पर, छोटे छोटे कार्यों के लिए अपने पति पर, पिता पर, भाई पर या मित्र पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करें। छोटे छोटे कार्य हैं जैसे कि रास्तों को याद रखना, जैसे कि बैंकिंग के कार्य करना, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इत्यादि हैं, ये सब करना महिलाओं अपने तौर पर सीखना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से या कुछ वर्षों से लगातार मैं इस प्रवृत्ति को देख रही हूँ कि हम एकल परिवारों के समर्थन में खड़े हैं। हम बार बार कुछ चमकीले नारे हैं जिसमें कह दिया जाता है कि स्मैश द पैट्रियार्की, पितृसत्ता को ध्वस्त करो। तो उस वक्त मैं बार बार यह बात चिन्हित करती हूँ कि सत्ता या प्राधिकार किसी जेंडर के अंदर नहीं होती। सत्ता या प्राधिकार एक तरीके का मनोवैज्ञानिक स्टेटस है। महिलाएं भी उसी गति में, उसी मात्रा में हिंसक और क्रूर हो सकती हैं अगर उन्हें सत्ता और प्राधिकार मिल जाए और वे उसका दुरुपयोग करने लगे तो। तो इसलिए पुरुष सत्ता को पितृ सत्ता के समतुल्य रखना या उसके बराबर रखना ये एक तरीके की अश्लीलता है, अपराध है, इससे बचना चाहिए। इससे बचना इसलिए भी चाहिए कि जब हम पितृ सत्तात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो पितृ होने की पात्रता बहुत बड़ी है, पिता होने की पात्रता बहुत बड़ी है, पुरुष होने की पात्रता नहीं है, पर माँ होने की पात्रता, स्त्री होने की पात्रता नहीं है पर माँ होने की पात्रता है, पुरुष होने की पात्रता नहीं होगी पर पिता होने की पात्रता है। तो जब जब हम बोलते हैं स्मैश द पैट्रियार्की तो उस समय हम पितृसत्ता को ध्वस्त करने की जो कल्पना करते हैं वह कहीं ना कहीं हमारे लिए हितकर नहीं है, हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए मैं उसे हितकर नहीं मानती हूँ। हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार के वे सारे सदस्य जो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संतानों के लालन पालन में, पोषण में बराबर की भूमिका निभाते हैं। और इसलिए जिस भी जगह पर हम हों वहां पर हम अपने पेरेंट्स के साथ अगर रहते हैं, परिवार को इकाई के रूप में देखते हैं, तो इस प्रकार की चुनौतियों की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। महिला थोड़ी सी फ्री हो जाती है कि हाँ, उसका बच्चा अपने दादा दादी की गोद में है, कुछ थोड़ा फ्री हो जाता है कि हाँ, वो नानी के साथ खेल रहा होगा, उसके साथ कोई अयाचित घटने की संभावनाएं, घटने की आशंकाएं कम से कम हो जाती हैं। तो इस तरह हम परिवार के महत्व को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बार बार सिंगल पेरेंट्स, कामकाजी महिलाएं, सिंगल पेरेंट्स, इस उद्घोषणा की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे इतिहास में जिसके नाम पर भारतवर्ष का नाम भरत पड़ा वो सिंगल पेरेंटिंग में रहे हैं। भरत आधे समय शकुंतला के साथ, आधे समय दुष्यंत के साथ। कृष्ण तो पालन पोषण का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो अपने जैविक माता पिता के साथ
बहुत कम रहे या लालन पालन के महत्वपूर्ण वर्षों में रहे ही नहीं। इसी तरह नकुल सहदेव का लालन पालन भी उनकी विमाता ने किया या लव कुश का पालन पोषण एक सिंगल मदर ने किया। तो इस तरीके से जो सिंगल होने का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं बड़ी भारी बात नहीं है, वो हमारे लालन पालन के प्रक्रिया में सनातन रूप से शामिल है। तो महिलाएं तब भी आगे आई थी, अब भी आगे खड़ी हुई है। उस समय मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की इन चुनौतियों को निपटने में हो सकती है तो वह पुरुष वर्ग की हो सकती है। कोई भी बच्ची अगर किसी भी असुरक्षा बोध में एक भी समय आती है तो यह हम सब अधिकार होती है। कार्यस्थल पर कोई महिला निकले तो आज भी माता पिता या हमारा पुरुष वर्ग भी या हमारे भाई बंधु इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि कितने बजे तक घर लौटना है, कैसे घर लौटना है। तो ये सारी बातें किस बात को लेकर उपज रही है, सुरक्षा के असुरक्षा के बोध को लेकर के उपज रही है, सुरक्षा की कमी के कारण उपज रही है। तो कहीं ना कहीं हम सबको आगे मिलकर इन चुनौतियों को समझना होगा कि बच्चों के लालन पालन में या इवन मातृत्व की हम बात करें तो मातृत्व को मैं एक प्रिविलेज के तौर पर देखती हूँ। मातृत्व कोई संकट नहीं है, आपके करियर के मार्ग में मातृत्व बाधक नहीं है, मातृत्व एक प्रिविलेज है। और उस प्रिविलेज को स्त्री और पुरुष को समान रूप से वहन करना चाहिए। बच्चों के लालन पालन में स्त्री की जितनी भूमिका हो पुरुष की भी उतनी ही भूमिका हो, उतनी ही संवेदनशीलता के साथ भूमिका हो। ये बात कौन है कि जैविक स्थिति महिला के पक्ष में जाती है, लेकिन यह भी सही बात है कि उस जैविक स्थिति को संभालने में उसके जीवन सहचर का जितना योगदान होता है वह बालक या वह बालिका या वह संतान उतने ही सुंदर ढंग से वृद्धि प्राप्त करती है, उतने ही सुंदर ढंग से जीवन में आगे बढ़ पाती है। एक बच्चा जब अपने परिवार में अपने माता पिता के बीच कार्य का उचित बंटवारा देखता है, मनोवैज्ञानिक समझ देखता है, उनके बीच की आपसी समझ को देखता है, प्रेम को देखता है, सौहार्द को, सद्भाव को देखता है, तो उसको बाहर से कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं बचती। मैं समझती हूँ कि महिलाओं के लिए ये एक चुनौतियां तो है ही, ये संक्रांति का समय है जिसमें महिला और पुरुष दोनों को बड़ी ही संजीदगी के साथ आगे बढ़ना होगा, अपने तमाम विषमताओं को इस दौर के चमकीले नारों को पृथक रखते हुए हमारे समाज की और हमारे परिवार की जरूरत क्या है उसके साथ हम अपने एक संस्कृति के उत्कृष्ट वाहक की तरह वहां पर सामने आए। आर्थिक रूप से सबल होना किसी भी महिला के लिए सबल होने की पहली सीढ़ी है, लेकिन वह किसी भी सुंदर जीवन का अभीष्ट या प्राप्य नहीं है, एकमात्र प्राप्य नहीं है। आर्थिक रूप से सबलता आपको निर्णय के की तरफ ले जाती है, लेकिन उस धन को खर्च कहाँ करना, उस धन आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद आज भी अगर महिला अपने धन को खर्च करने के लिए समझ विकसित नहीं कर पा रही है तो उस आर्थिक स्वतंत्रता का कोई आशय नहीं रह जाता। इस जगह पर मैं आपके सोचती हूँ कि जहां पर जिस तरह से हम जा रहे हैं, जिस गति से हम जा रहे हैं, एक मिनट के लिए रुक कर हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हम दोनों का यानी स्त्री का और पुरुष दोनों का उसमें अनुकूलतम योगदान कितना अधिक हो सकता। मैं समझती हूँ कि मेरी तरफ से लगभग लगभग सारी बातें हो गई हैं और समय भी अब होने जा रहा है, तो मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देती हूँ। आगे अगर कोई प्रश्न इस विषय में आएंगे या कोई सुझाव होंगे तो उनका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। धन्यवाद आदरणीय रक्षा दीदी जी। अब चूंकि आपका वक्तव्य जैसा आपने कहा कि चमकीले नहरों से इतर रहता है, बिल्कुल अनुभव की उर्वरा भूमि से निकले हुए शब्द निश्चित तौर पर इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। हमारे साथ इस पैनल में द्वितीय वक्ता के रूप में श्रीमती माला सिंह ठाकुर जी जुड़ी हुई हैं। आप छात्र जीवन से ही सामाजिक और विभिन्न गतिविधियों में जुड़ी रही हैं। आपको अहिल्याबाई गौरव सम्मान, सावित्रीबाई फूले कर्मवीर अवार्ड और इंदौर गौरव जैसे सम्मानों से नवाजा गया है। लगभग 1.5 दशक से आप महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
इस वेबिनार के दूसरे सत्र में मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ आदरणीय माला सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हमारे प्रतिभागियों को संबोधित करें। सभी को नमस्कार। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के द्वारा बहुत अच्छे विषय पर आज ये वेबिनार हो रहा है और मैं आदरणीय राकेश अग्रवाल भैया का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके कारण आज आप सब लोगों से जुड़ पाई हूँ। फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय राघवेंद्र शर्मा जी, सचिव आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी और उपस्थित सभी जो इस फाउंडेशन से जुड़े हैं। आदरणीय रक्षा दीदी ने बहुत बेहतर ढंग से लगभग सभी बातों पर जो है प्रकाश डाला है कि किस प्रकार से एक महिला जो मैदान में उतरती है अपना घर परिवार सब चीजों के साथ, मन में तो घर परिवार रहता है, दिमाग में ऑफिस का काम चलता है, किस तरीके से किन चुनौतियों का सामना उसको करना पड़ता है, ऐसा आदरणीय दीदी को हम सभी ने अभी सुना। कुछ जो बातें मुझे लगता है मैं जोड़ना चाहती हूँ, दो तीन सर्वे जो है उनका जिक्र करना चाहूंगी। कुकिंग केयरिंग एंड वॉलंटियरिंग अनपेड वर्क अराउंड द वर्ल्ड की जो एक रिपोर्ट है 29 देशों में जो सर्वे हुआ, उस सर्वे का ये कहना है कि भारत की जो महिलाएं हैं अन्य देशों की महिलाओं की अपेक्षा वो अधिक काम करती हैं, पहली बात है। और दूसरी बात है कि पुरुषों की अपेक्षा लगभग 7 घंटे अधिक काम करती हैं, ये दूसरी बात है। अमूमन 17 घंटे एक भारतीय महिला काम करती है, चाहे वो घर में रहती है या वो कामकाजी है। एक सर्वे और कहता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE और सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस CEDA का कि सक्रिय जो कामकाजी महिलाएं हैं अभी वर्तमान का समय जो है वो दिखता है तो ध्यान में आता है कि लगभग 30 लाख जो है ऐसी महिलाएं अब काम नहीं कर रही हैं पूरे देश भर में। बहुत सारे कारण इसके हैं। तो कामकाजी महिलाओं के समक्ष चुनौतियों की बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि अभी जो पिछले 2 वर्ष का समय हम सभी ने देखा, बहुत बड़े संकट से हम सभी जूझे, वैश्विक महामारी को हम सभी ने बहुत पास से देखा और उसका बहुत बड़ा फर्क जो है जो काम करने वाली बहनें हैं उन पर भी पड़ा। इसको मैं थोड़ा सा अपने तरफ से बात करना चाहती हूँ कि तीन अलग अलग जो कैटेगरी उसमें हमको इसको बांटना चाहिए। एक वो महिला जो दूसरों के घरों में जो दीदियां काम करने के लिए जाती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करने जाती हैं, भोजन बनाने जाती हैं, घर में बच्चे हैं उनकी देखरेख करने के लिए जाती हैं, घर के बड़े बुजुर्गों की देखरेख करने के लिए जाती हैं, एक वो कैटेगरी है। दूसरी जो हाईली प्रोफेशनल है जो कहीं ना कहीं माया दीदी माइक धन्यवाद। दूसरी जो है वो प्रोफेशनल है और जो है किसी कंपनी में मैनेजर है, कहीं सीईओ है या किसी डिपार्टमेंट में काम करती हैं, पढ़ाती हैं, डॉक्टर है, इस तरीके की एक अलग प्रकार की कैटेगरी है या स्वयं का जो है काम करती हैं। तीसरी कैटेगरी ध्यान में आती है तो उसमें ध्यान में आता है कि जो बहुत प्रतिष्ठित महिलाएं हैं, जो बड़े बिजनेस फैमिलीज को हम देखते हैं, बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज को हम देखते हैं, जब वो बाहर काम करने निकलते, तो तीन अलग अलग कैटेगरी हैं जिनकी चुनौतियां भी अलग अलग हैं, ऐसा ध्यान में आता है। पर फिर भी कोशिश करें कि ऐसी कुछ सामान्य चुनौतियां जो तीनों के लिए एक जैसी हों तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब कोई महिला कामकाजी है तो स्वाभाविक है कि अगर मैं कहीं किसी ऑफिस में काम करती हूँ तो मेरी अपेक्षा होती है कि जितना सम्मान मेरे साथ काम करने वाले पुरुषों को मिलता है उतना ही मुझे भी मिले। जिस प्रकार से प्रोजेक्ट मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, कोई प्रोजेक्ट आता है उसकी प्राथमिकता अगर उन्हें मिलती है तो मुझे भी मिले। लेकिन ऐसा ध्यान में आता है, जैसा अभी रक्षा दीदी ने भी बताया था, कि इस प्रकार से जब कोई भी चीजें हमारे सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जब इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी देनी है या तो लोग उनके लीडरशिप में काम करना नहीं चाहते, दूसरी चीज मजबूरी वश अगर लीडरशिप में काम करना पड़े, जैसे हम इंदौर में ही अगर बात करते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर IAS ऑफिसर है प्रतिभा पाल जी, तो अपने मातृत्व के मात्र 10 दिन में उन्होंने जो है 11वें दिन अपना काम पर वापस लौटे, सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक फील्ड पर थी। अब अति सामान्य महिला अगर इस प्रकार से अब कहीं काम करती है और वो काम पर है तो हम सोच सकते हैं कि आसपास में, घर परिवार में और समाज में
किस प्रकार से एक विषय जाता है कि बहुत छोटे से बच्चे को छोड़ करके और जो है बाहर काम कर रही हैं, लेकिन जब आप प्रतिष्ठित जिम्मेदारी पर होते हैं, जब आप किसी ऐसे दायित्व का निर्वहन कर रहे होते हैं जो बहुत ज्यादा समाज से लोगों से जुड़ा हुआ है, तो वहां ये चीज दूसरे रूप में उभर करके सामने आती है कि हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे शहर के पास ऐसा नेतृत्व है कि जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है और मात्र 10 दिन के मात्र अवकाश के बाद आज जो है किस प्रकार से वो शहर के लिए सुबह 5 बजे से डटी हुई है। तो ये जो एक सोच का फर्क है जो हमें दिखाई देता है कि जो अलग अलग प्रकार की बहनें काम करती हैं, अलग अलग प्रकार के परिवारों से जो जुड़ी होती हैं, अलग अलग प्रकार के सोसाइटीज में जो रहती हैं, वहां की चुनौतियां भी अलग अलग है। सभी कामकाजी महिलाओं की चुनौतियां एक जैसी हैं तो ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से जब हम उनके काम के क्षेत्र की बात करते हैं तो ऐसा ध्यान में आता है कि अपने काम के क्षेत्र में कितनी ही मेहनत कर रहे, लेकिन हमेशा एक प्रश्न चिन्ह बना रहता है कि अगर इस इतने बजे के बाद अगर कोई काम आया तो मैडम को नहीं देना चाहिए, नहीं तो घर जाने की जल्दी होती है, या सुबह जल्दी कोई मीटिंग है या कोई प्रेजेंटेशन है तो मैडम को नहीं देना चाहिए, वो तो जो है हमेशा देर से ही आती है। लेकिन देर से आने का कारण और जल्दी जाने का कारण शायद उसके पीछे की जो भावना है वो कोई समझ नहीं पाता। एक महिला को लगता है कि अगर 6 बजे ऑफिस छूटा है तो अपनी गाड़ी से जिससे भी वो जाती है, अगर स्कूटी है, घर पे छोटा बच्चा है, तो हम जो बहनें यहाँ जुड़ी हैं तो ध्यान में है कि 60 की स्पीड में 70 की स्पीड में बिना कुछ सोचे फटाफट घर जाने के लिए उन्हें लगता है कि घर में बुजुर्ग सास ससुर हैं या माता पिता हैं या घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी हम पर है, उन्हें समय पर भोजन मिलना चाहिए, उनकी देखरेख समय पर होना चाहिए, ऐसी मानसिकता के साथ वो दौड़ लगाती है। और इन सब कामकाजी चुनौतियों के बीच में स्वयं को कहीं तो भी खो देती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूं या जितनी भी कामकाजी बहनें हैं घर परिवार के लिए नाश्ता बनाती हैं, सबके लिए दूध निकाल के रखती हैं, बादाम गला के रखती हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हमेशा घड़ी की सुइयों की तरफ उनकी जो है निगाह रहती है कि ऑफिस का समय हो गया या काम जहां भी जाना है, किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाना है उसका समय हो गया, तो भोजन है, अल्पाहार, उसको स्किप करके और दौड़ करके निकल जाती है। और ऐसे में हम अपने आप को सुपर वुमन समझते हैं कि हमने हमारी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर लिया, लेकिन कहीं तो भी हमारी हमारे प्रति जो जिम्मेदारी है उससे हमेशा हम जो है इतर सोचते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियों के बीच में अपने आप को कहीं तो भी दोयम दर्जे का समझते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती है कि हर महिला अपने आप को दोयम दर्जे का समझती है, उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ में काम करने वाले या और भी कोई जो बहनें हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं उनका जीवन जिस प्रकार से तुलना वो करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुलना जो है वो करना बंद करना चाहिए और अपना काम हम कितने बेहतर ढंग से कर सकते हैं इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तीन तैसी, आप बहुत बेहतर कर रहे हैं या आप जानते हैं, आपका ईश्वर जानता है, इस पर विश्वास करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जरूरी है। दूसरी जो बात आई थी कि पेशे में संतुलन, जहां पर काम करते हैं वहां वर्क लाइफ बैलेंस की जब बात करते हैं तो घर परिवार ऐसे तो लगभग अब संयुक्त परिवार जैसी परिपाटी रही नहीं। एक सर्वे कहता है कि 70% से अधिक जो लोग हैं वो एकल परिवार में रहते हैं, और जितने लोग एकल परिवार में रहते हैं लगभग उसमें से सभी दोनों ही पति पत्नी कामकाजी होते हैं। तो ऐसे में बड़ी चुनौती होती है कि बच्चों को कैसे संभालेंगे। और एक जो दुखद बात मुझे लगता है यहाँ साझा करना चाहती हूँ, हम सभी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, कि अभी पिछले 2 साल के जो बड़े सर्वे हैं ये बताते हैं कि जितनी भी बड़ी सिटीज हैं, हम बैंगलोर देखते हैं, बैंगलोर, पुणे, कलकत्ता, इस तरीके के जो शहर हैं, जो जहाँ आईटी संपन्न शहर हम जिनको बोल सकते हैं, जहाँ आईटी की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब वहां देखते हैं तो वहां जो काम करने वाले लोग हैं अभी ऐसा ध्यान में आता है कि उनका कहना है कि हमें बच्चों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे हमारे जीवन में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा काम प्रभावित होगा। मैं पुनः दीदी की एक बात को कोट करना चाहती हूँ। दीदी ने कहा कि मातृत्व जो है वो प्रिविलेज है, इसको हम किस कहीं भी चुनौती के रूप में या अपनी हम कहीं तो भी अपने आप को कम आके इस रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि जब एक स्त्री माँ बनती है तो और सबल और सक्षम होती है और ज्यादा सामर्थ्यवान होती है। हमारे यहाँ कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये जो शक्ति का रूप है या वो मातृत्व का जब उसको भान होता है, जब वो माँ बनती है, तो ये शक्ति और भी प्रबल हो जाती है। तो इस प्रकार की जो सामाजिक चुनौती हमारे सामने हमें दिखाई दे रही है, जो आज की पीढ़ी जिस और जा रही है कि अपने प्रोफेशन और
प्रोफेशन के साथ साथ करियर की ओर बहुत आगे बढ़ना है, एक अलग प्रकार के सपने जो उन्होंने देखे हैं वहां कहीं तो भी परिवार और इस प्रकार से जो हमारी पारिवारिक परंपरा है उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है, ये भी एक विषय है। अगली जो बात है कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों का विकास कैसे होता है, उनकी देखभाल कैसे होती है, हम कैसे मदरहुड को फील करते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो महिला कामकाजी है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा बेहतर ढंग से अपने बच्चों का लालन पालन करती है, वो ज्यादा बेहतर ढंग से इस चीज को देख पाती है कि मेरा बच्चा ठीक से पढ़ रहा है, स्कूल में किस प्रकार से टीचर से बात करनी है, कैसे अपने बच्चे को एक सही दिशा निर्देश देना है, अपनी कहानियां बता करके, अपने सामने जो चुनौतियां आती हैं उन चुनौतियों को बच्चों को समझा करके वो कोशिश करती है कि एक प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ बच्चों को कैसे ले जाया जाए। वहीं दूसरी ओर हम ऐसा ध्यान में आता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बहनें घर में रहती हैं बाहर जाकर के काम नहीं करती, अगर उन्हें देखे, और जो महिला बाहर जाकर के काम करती है, तो ध्यान में आता है कि दोनों ही बच्चों की तरफ जब ध्यान देने की बात आती है, स्वाभाविक है कि जो घर में है वो उसी समय पर भोजन बनाएगी, घर का बाकी काम करेगी, तो बच्चे घर के बड़ों के पास रहते हैं या घर में कोई बड़ा नहीं है तो आपस में खेलते रहते हैं, अगर बच्चा अकेला है तो भी वो खेलता है या उसको किचन में बिठा करके रखती है, लेकिन अगर काम काजी है तो स्वाभाविक है कि अगर उसे 10 बजे ऑफिस जाना है तो वो कोशिश करती है कि 5 बजे उठ करके 7-8 बजे तक अपने घर का पूरा काम निपटा करके और 9 बजे भोजन वगैरह सब बना करके 10 बजे अपने काम के लिए निकले। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहन बाहर जा करके काम करती है उसके पास दोहरी चुनौती, उसे घर भी देखना है बाहर भी देखना है, आर्थिक रूप से वो सबल है सक्षम है, लेकिन साथ साथ में एक प्रश्न ये भी आता है कि किस प्रकार से अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम है तो क्या वो उन बातों का लाभ अपने स्वयं के लिए ले पाती है। अगर मुझे मेरे मायके के लिए या मेरे परिचितों के लिए मैंने कुछ तय किया है कि वहां कोई कार्यक्रम है और मुझे कुछ खर्चा करना है तो क्या मैं सक्षम हूँ, क्या घर परिवार के निर्णय में मेरी भी उतनी ही बड़ी भूमिका है पति की है। तो ये जो चीज है ये भी एक चुनौती दिखाई देती है कि आप जब काम करते हैं तो उसका सम्मान उस तरीके से नहीं किया जाता, आपसे अपेक्षा है कि घर परिवार में कोई कार्यक्रम है तो आप ऑफिस से छुट्टी लें, लेकिन अगर पति वहीं दूसरी जगह है तो ऐसा ध्यान में आता है कि उन्हें छुट्टी नहीं भी मिली या खुद का व्यवसाय है उन्हें जाना जरूरी है तो उनका जाना जरूरी है। इस प्रकार की चीजों से जो है बहनों को सामना करना पड़ता है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो है उनके काम पर भी उनको भुगतना पड़ता है। फिर ऐसा ध्यान में आता है कि जब मातृत्व अवकाश की बात आती है तो मातृत्व अवकाश के बीच में जो भी इंक्रीमेंट्स हैं, तो अगर आप मातृत्व अवकाश पर हैं तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा जो सालाना इंक्रीमेंट होता है, तो ये भी एक बड़ी बात है। अभी असंगठित क्षेत्र में भी ऐसा ध्यान में आता है कि मातृत्व अवकाश के लिए लगातार प्रयास चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि खाली ब्लूप्रिंट पर ही है, और वास्तव में जो असंगठित क्षेत्र में बहनें काम कर रही हैं उनके सामने ये भी चुनौती है कि अगर वो मातृत्व अवकाश पर रहती हैं तो पुनः जो है दूसरी जगह काम ढूंढ करके काम शुरू करना और वापस एक बड़े लंबे अंतराल के बाद, एक अल्प विराम के बाद पुनः जो है अपनी जीवनचर्या को कैसे वो लाइन पर लाती हैं, ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे हमको ध्यान में आता है कि बहुत बड़े स्तर पर बहनों के सामने ऐसी कई चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां आज से नहीं है, जैसा अभी पुराने समय का भी उल्लेख आया था कि लगातार जब हम बात करते हैं माता सीता से लगा करके तो अभी वर्तमान तक की, तो सभी के सामने अलग अलग प्रकार की चुनौतियां आई हैं। वो माँ अहिल्या जिनकी नगरी में मैं रहती हूँ, वहां जब उन्होंने शासन किया तो वहां से लगा करके जब हम आज वर्तमान में बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो देश को चला रही हैं, ऐसी बहुत सारी IAS ऑफिसर्स हैं जो शहर को चला रही हैं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन कहीं तो ऐसा ध्यान में आता है कि जब आप बहुत बड़े स्तर पर भी काम कर रहे हैं लेकिन वो जो सामान्य चुनौतियां हैं उसका सामना आपको करना पड़ता है। ये अलग बात है कि आप बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं इसलिए लोगों के सामने उन चुनौतियों का जिक्र करने में आप संकोच करते हैं कि मैं खुद इतने इस स्तर पर काम कर रही हूं, अगर मैं इन सब चीजों को फेस करती हूं और मैं नीचे बताऊंगी तो किस प्रकार से लोग मेरे बारे में सोचेंगे, या एक अलग प्रकार का मानस जो है उस समय पे बहनों का बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किस तरीके से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, व्यापारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से स्त्री अपने आप को सक्षम सबल समझे, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है,
और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें घर परिवार से ही शुरू हो सकती, वहीं से संभव भी है। जब चुनौतियों की बात शुरू की थी तो सबसे पहली बात की थी कि ऐसी बहनें जो बहुत छोटा काम करती हैं, घरों में जाकर के काम करती हैं, तो उनके सामने हमको ध्यान में आता है कि बहुत बड़ी चुनौती होती है कि पति शराब पीते हैं या इस प्रकार की बस्ती में वो रहती हैं तो बच्चे नशे के आदी हो जाते हैं। वो सपना देखती है कि मैं कमा करके लाऊंगी और बच्चों को, मैं तो नहीं पढ़ी लेकिन हाँ बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, अच्छी शिक्षा दूंगी। लेकिन उस बीच में जब है पति पैसा छीनता है, शराब पीता है, बच्चे नशे की लत में पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें उस बहन को तोड़ती हैं और वो जो सोचती है वो करने में अपना पैर जो है वो पीछे करती है। और हमको ध्यान में आता है कि समाज का उस स्तर के जो लोग हैं उनका जो जीवन स्तर उसको सुधारने में कहीं तो भी हमारी जो भूमिका होना चाहिए शायद हम उसका निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे, ऐसा हम सबको भी ध्यान में आता है जो लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये एक है। दूसरा ध्यान में आता है कि जो हाईली प्रोफेशनल महिलाएं हैं तो उनको उन चीजों का सामना करना पड़ता है कि किस प्रकार से उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो भले ही उनसे कम पढ़े लिखे हैं या उनके बराबर पढ़े लिखे भी हों, लेकिन जब जज करने की बात आती है तो स्वाभाविक है कि उन बहनों को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि समय को लेकर के बात हो या किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर के बात हो, किसी असाइनमेंट को लेकर के बात हो, अपने काम का जो तरीका है उसको लेकर के बात हो, तो इस प्रकार से जो चीजें हैं ये जो है उन्हें फेस करना पड़ता है। तीसरा जो प्रकार बताया था जो बहुत एलिट क्लास को बिलोंग करता है, वहां हमें ध्यान में आता है कि कहने के लिए तो उस महिला को कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया है, बाहर आना जाना मीटिंग्स में उनका उठना बैठना होता है और बाहर बतौर किसी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर के रूप में वो अपने आप को स्थापित पाती हैं। लेकिन जब हम व्यक्तिगत उनसे बात करें तो ध्यान में आता है कि जो भी आंतरिक कंपनी के निर्णय हैं या ऐसी सभी चीजें जब वो उस कंपनी के बारे में कुछ सोचती है, उस बात को प्रकट करना चाहती है, तो जो उनके घर परिवार के लोग हैं वो कहीं तो भी उन सब चीजों को उस तरीके से आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई हमने तुम्हें डायरेक्टर बना करके बिठा दिया है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम डायरेक्टर हो, जिस तरीके से काम चल रहा है वैसे ही चलेगा, तुम जानती कितना हो। तो ऐसे जो उलाहने हैं वो लगातार उन्हें मिलते हैं और मुझे लगता है कि जो तीनों प्रकार से जो चीजें हैं वो अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना ये सभी बहनें करती हैं। बच्चों का जहां तक सवाल है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी की परिस्थिति में हम जब देखें तो पहले तो ऐसा नहीं था, अभी तो बहुत सारे झूलाघर हैं, बहुत सारे स्थानों पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जहां जो महिलाएं काम कर रही हैं, जिनके लिए काम करना आवश्यक है या जो काम करना चाहती हैं, दोनों ही प्रकार की परिस्थिति है। एक वो है जो काम करना चाहती हैं और दूसरी वो है जो मजबूरी में काम कर रही हैं। तो ऐसी बहनों के लिए एक चिंता का विषय होता है कि घर में छोटे बच्चे हैं वो कैसे पलेंगे, कैसे बढ़ेंगे, उनका स्कूल, उनकी पढ़ाई लिखाई, संस्कार, कैसे उन सब चीजों को ठीक रखा जाए। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास जो हैं लोकल लेवल पर सब जिलों में अलग अलग स्थानों पर होते ही हैं। बहुत छोटे स्तर पे जो काम करने वाली बहनें हैं उनके लिए आंगनवाड़ी में जो उनके बच्चे हैं वो जाते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं तो ध्यान में आता है कि अच्छे घरों के जो लोग हैं वो झूला घर में अपने बच्चों को भेजते हैं, थोड़ा और ध्यान में आता है आगे जाते हैं तो बड़े ऐसे प्ले स्कूल्स हैं जो झूला घर के फॉर्म में अपना प्ले स्कूल चलाते हैं, वहां वो अपने बच्चों को भेजते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों के विकास के लिए तो वो चिंता करती ही है। अगली जो चीज है वो ध्यान में आती है कि गिल्ट तो हमेशा रहता ही है तीनों प्रकार की जो बहनें काम करती हैं कि भले ही कितना भी कर लें, वो अपना शत प्रतिशत भी दे लें, फिर भी उनके मन में लगता है कि घर वालों ने कहा था ये बनाना है, ये बनाना है, ये खाना है, बेटे ने बोला पनीर बनाना है, पति ने बोला दाल चावल खाना है, सासू मां ने कहा कि नहीं मुझे तो जो है खिचड़ी खाना है, वो सब बना लेगी, लेकिन फिर उसको ऐसा लगता है कि अरे बेटी के लिए मैं कुछ भी नहीं बना पाई। तो जो गिल्ट वाली जो ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो है ध्यान में आते हैं, सामने आते हैं। तो गिल्ट तो हमेशा वो महसूस करती है जब घर से निकलती है, अपनी गाड़ी पे बैठती है, टू व्हीलर में जाए, फोर व्हीलर में जाए, पैदल चलकर जाए, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाए, उसके दिमाग में जो घर की चीजें हैं, जब वो 4 बजे से उठी है, 4 बजे से लगा करके 9:30 बजे तक घर का जो भी है वो घूमता रहता है, वो अपने आप को कोसती रहती है कि हाँ मैंने ये नहीं किया, ये छूट गया, मैं ये और कर सकती थी, काश ये कर देती तो बच्चे खुश हो जाते, ये और कर देती तो माँ खुश हो जाती, ये और कर देती तो पति जी खुश हो जाते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो गिल्ट फील करती है।
ऐसा बहुत बार होता है कि पारिवारिक कई आयोजनों में जाना है, पारिवारिक कई कार्यक्रमों में जाना है, जितना समय देना चाहिए उतना समय नहीं दे पाते। कई बार घर परिवार में ही शादी है, कोई कार्यक्रम है, शुभ मांगलिक काम है, और जितना छुट्टियां नहीं मिल पाती उस कारण उपस्थित नहीं हो पाते, सब लोगों के यहाँ नहीं जा पाते, तो वो भी एक गिल्ट उसको हमेशा रहता है। और लोग बार बार जो है पिंच करके बोलते रहते हैं कि फलाने नहीं आए, तुम तो आ ही सकती थी, तुम छुट्टी लेके आ जाती। तो ये जो इस प्रकार की चीजें हैं, मुझे लगता है कि एक चीज जो हम सब लोग हमेशा बोलते हैं कि स्त्री पुरुष समानता की बात, पर मैं ऐसे थोड़ा इतर विश्वास करती हूँ कि हम लोग जिस देश में रहते हैं वहां यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा भाव हमेशा से रहा है। अभी कुछ समय ऐसा जरूर आया जब ये जो चीजें हैं ये हमें ऐसा लगता है कि केवल ग्रंथों में लिखी हुई है, वेदों की ऋचाओं में लिखी हुई है, लेकिन अभी का जो समय है वापस कैसे हम अपनी संस्कृति की तरफ, अपनी परंपरा की तरफ बढ़ सकते हैं, इसकी बहुत बड़ी भूमिका मुझे लगता है कि महिलाओं के सामने जो चुनौती है उससे उबरने में होगी। जब हम संयुक्त परिवार में रहेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे बच्चे वो सभी संस्कार, वो परंपराएं जो हम चाहते हैं कि उन्हें मिले, दादा दादी नाना नानी का प्यार उन्हें मिले, घर में चाचा है, फूफा है, बुआ है, इस प्रकार से जो घर परिवार के लोग हैं उनके जो अपने हैं उस प्रकार से वो सब चीजें होने मिले। पहले ऐसा होता था कि जब हम लोग से कोई पूछता था कितने भाई बहन है तो हम उंगलियों पे गिनने लगते थे, मतलब क्योंकि घर के सारे लोग हैं, वो सभी जितने भी घर के बच्चे हैं सब हमारे भाई बहन। आजकल तो हम नाम लेकर के बता देते हैं एक या दो जो भी हैं। तो कैसे संयुक्त परिवार की ओर बढ़ सकते हैं, मुझे लगता है ये इसका एक सबसे बड़ा समाधान है। दूसरा, सोच कैसे बदली जा सकती है, क्योंकि सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और सोच किसकी बदलना है, तो सोच हमें हमारी ही बदलना है, क्योंकि हम अपने आप को दोयम दर्जे का समझते हैं। जब हम अपने आप को प्राथमिकता में रखेंगे तो मुझे लगता है जब हम हमारे बारे में जैसा सोचेंगे दूसरे हमारे बारे में वैसा ही सोचते हैं। किसी ने कहा कि मैडम आपने ये काम बहुत अच्छे से किया है, ये प्रोजेक्ट आपने बहुत बेहतर ढंग से किया, बहुत कम समय, अरे नहीं नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये जो इस प्रकार से हमेशा डिनाई करने वाली हमारी आदत है, मुझे लगता है कि इससे हमें तौबा करना चाहिए। और कैसे हम बहुत बेहतर ढंग से अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, कैसे हम भी अपनी प्राथमिकता में हो, मुझे लगता है जब हम अपनी प्राथमिकता में होंगे तो स्वाभाविक है दूसरों की भी प्राथमिकता में होंगे, तो ये चीज करना चाहिए। तीसरी चीज, मुझे लगता है कि बहनों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब हम घर परिवार के लिए सब कुछ करते हैं तो कुछ समय अपने लिए निकालें, सेल्फ लव बहुत जरूरी है। स्वयं के लिए सोचें, स्वयं किस प्रकार से, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पसंद है, ऐसी कौन सी काम है, ऐसा कौन सा आपका शौक है जो आपको तरोताजा रखता है, उसके लिए भी सोचें। जब हम मन से प्रसन्न होंगे, तन से स्वस्थ होंगे, तो स्वाभाविक है कि हम जहाँ काम करते हैं वहां अपना 100% दे पाएंगे। वरना घर से झगड़ा करके, घर से झल्लाते हुए जब जाते हैं तो बाहर भी काम में जो है वो सब चीजें दिखाई देती हैं, और बहुत जल्दी बहुत कम उम्र में बीपी के, शुगर के, कार्डियक के हम मरीज बन जाते हैं। तो ये मुझे लगता है तीसरी चीज है जिसको सुधारने की जरूरत है। चौथी चीज है कि कभी भी गिल्ट फील नहीं करना, हमेशा जो है इस चीज का ध्यान रखें कि हम संपूर्ण नहीं है, हम भगवान नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन आप सब कुछ नहीं कर सकते। हम सोचें कि अपना 100% घर में भी, अपना 100% बाहर भी, अपना 100% समाज में भी, 100% ऑफिस में भी, सब जगह 100% देंगे, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल असंभव जैसा है। तो ऐसा प्रयास करें कि बहुत बेहतर क्या कर सकते हैं। सुपर वुमन बनने की आवश्यकता नहीं है, आप जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। अपना 100% जो आप बेहतर समझते हैं वो कैसे दे सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को ताक पर रखकर नहीं, अपनी इच्छाओं को ताक पर रखकर नहीं, अपने सपनों को ताक पर रखकर नहीं, कैसे ये तीनों चीजें भी साथ में रहें और मैं अपना बेहतर दे सकूं, मुझे लगता है ये चौथी चीज करने की आवश्यकता है। पांचवी चीज, मुझे लगता है इसका समाधान है कि हमें तुलना करना छोड़ना चाहिए, जो लगातार एक आदत होती है महिलाओं की कि हम तुलना करते हैं। मुझे लगता है महिलाओं की क्या सभी इस प्रकार से सोचते हैं, तुलना करने की आदत छोड़ना चाहिए। आपने तय किया है आप अपना 100% देंगे, किसी से तुलना करके और मन खराब करके काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप तुलना करना छोड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि बहुत सारी चीजें जो आपके आसपास है, जिन चुनौतियों का सामना आप कर रहे हैं, उसको आप फेस कर पाएंगे आसानी से। तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है कि वर्मा जी की पत्नी जो है वो अपने बच्चे को इतना समय देती है, गार्डन में घुमाने लेकर के जाती है, होमवर्क खुद कराती है, मॉल खुद लेकर के जाती है, सारी चीजें खुद करती है, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती। तो बार बार इस तरीके से तुलना ना करें,
आप जो करते हैं वो बहुत बेहतर करते हैं। एक माँ कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं करेगी जो उनके लिए ठीक नहीं हो। माँ हमेशा प्रयास करती है कि बच्चों को बेहतर ढंग से संस्कार दे सके, अच्छी शिक्षा दे सके, बहुत अच्छे से उनका लालन पालन कर सके। कोई भी माँ हो, चाहे वो कामकाजी है या कामकाजी नहीं है, घर में रहती है। तो इसीलिए अपने माँ होने पर कभी भी प्रश्न चिन्ह मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, कि मैं कैसी माँ हूँ, ये प्रश्न हमारे मन में कभी भी नहीं आना चाहिए। माँ तो माँ होती है, उसका कोई भी विकल्प नहीं है। तो मुझे लगता है कि तुलना जो है वो हमें छोड़ना चाहिए। तो ये चार पांच चीजें हैं जो करने से ऐसा ध्यान में आता है कि जिन चुनौतियों का सामना हम करते हैं उन चुनौतियों से हम उबर पाएंगे। और स्वाभाविक है कि जैसा दीदी ने भी कहा था कि समस्या है तो समाधान है। मैं हमेशा इस चीज को बोलती हूँ कि अगर कोई समस्या है तो स्वाभाविक है कि समाधान है, प्रश्न है तो उत्तर है, और अगर समाधान नहीं है तो इसका मतलब है वो समस्या ही नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस विषय पर अब लोग खुलकर के बात करने लगे हैं। और ये तो एक डेटा के आधार पर हमने इतनी सारी बातें की, लेकिन फिर भी अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सिक्के का दूसरा पहलू जो आज हमें दिखाई देता है, तो वो ये दिखाई देता है कि आज के समय में अब जब हम घर में देखते हैं कि एकल परिवार है, तो पुरुष भी प्रयास करते हैं कि कैसे महिलाओं को सहयोग कर सकते हैं, खाना बनाने में सहयोग करते हैं, घर संभालने में सहयोग करते हैं, बच्चों की देखभाल में सहयोग करते हैं, उन्हें पढ़ाने में सहयोग करते हैं। तो ये छोटा छोटा जो परिवार के लोगों का सहयोग है, ये हमारे जो टेंशन है या हमारी जो चिंताएं हैं, हमारा जो गिल्ट है उसको थोड़ा कम कर सकता है। तो इस फोरम के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि इस प्रकार की चीजों को हम प्रमोट करेंगे तो स्वाभाविक है कि एक बहुत अच्छे समाज की जो हम कल्पना करते हैं उस समाज को हम और बेहतर बना सकते हैं। और चुनौतियां तो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। अगर इस प्रकार की चुनौती खत्म होगी तो कोई दूसरी चुनौती जरूर आएगी, लेकिन चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे हम अपना और बेहतर दे सकते हैं, इस और विचार करने की आवश्यकता है। किसी भी रूप में हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा परिवार हमेशा जो है हमारे हृदय में रहता है, और अपना जो काम है वो हमेशा दिमाग में चलता है। तो इन चीजों का थोड़ा सा जो है बैलेंस बनाने की जरूरत है। दोनों ही चीजों का अपना अपनी जगह महत्व है। जब हम घर से ऑफिस के लिए जाएं तो थोड़ा सा घर की बातों को छोड़ करके जाएं, जब हम ऑफिस से घर के लिए आए तो ऑफिस की बातों को ऑफिस में छोड़ करके आए। इन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। दो और सर्वे हैं जो ये बताते हैं कि अभी जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तो उसमें एक पुरुष तो शायद जो है आसानी से वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, ऐसा सर्वे कहता है, पर मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं मानती। उनके सामने भी उतनी चुनौती है जिन चुनौतियों को हम देख रहे हैं। तो किस प्रकार से एक महिला जब घर से काम कर रही है तो उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और घर में रह करके काम करना, काम के घंटे बढ़ गए हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं इसको वो फेस कर रही है। तो अभी एक बहुत बड़ी चुनौती जो वर्क फ्रॉम होम है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम घर में रह करके काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ये भी उभर करके सामने आया है। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं जो सामने हैं, जो आर्थिक दृष्टि से दिखती हैं, सामाजिक दृष्टि से दिखती हैं, पारिवारिक दृष्टि से दिखती हैं, व्यवहारिक दृष्टि से दिखती हैं, और इसके साथ साथ में अपने को लेकर के भी ध्यान में आती हैं। पर इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम अपना बहुत बेहतर देते ही हैं और बेहतर देंगे। अपनी प्राथमिकता में अपने आप को रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने काम पर ध्यान रखेंगे, अपने सपनों की चिंता करेंगे, सपनों को पंख लगा करके उड़ने देंगे, अपनी तुलना करने से बचेंगे। अगर ऐसा कुछ करने लग जाएंगे तो स्वाभाविक है कि जो हमारे आसपास चीजें चलती हैं जिसके कारण हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो मुझे लगता है हम उससे उभर पाएंगे। समय हो गया है आप सब लोगों के बीच में आकर के, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोगों के बीच में बात करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माला दीदी जी। मुझे लगता है दोनों ही वक्ताओं ने बहुत ही प्रामाणिकता से, और मुझे लगता है आदर्श और व्यवहार की जो वास्तविक जमीन है, सच्चाई है, उसको अभिव्यक्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। वैसे उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लगातार 99 सप्ताह 99 भी हमारी ये वेबिनार है,
उनका हमेशा हमको मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहता है। मैं आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वह एक वेबिनार की परंपरा अनुसार अपना अध्यक्षीय उद्बोधन आशीषित करने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। इस बीच मैं आदरणीय रक्षा दीदी से आग्रह करूंगा, मुझे लगता है कि वो जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि सुनने वाले समय जो है वो बहुत छोटा पड़ जाता है, और उनकी एक कविता संग्रह ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा जब तक आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बीच ज्वाइन होंगे कि उस कविता संग्रह की एक जो सबसे पसंदीदा आपको लगती हो रचना वह हमारे प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय रक्षा दीदी। ठीक है, एक सहसा कुछ नहीं होता से एक कविता है जो आज के विषय पर भी उपयुक्त है। मेरी प्रिय तो है और पीछे बहुत पढ़ी भी गई है कविता। कविता का शीर्षक है दफ्तर में औरतें। दफ्तर में काम पर कोई औरतें कभी नहीं आती अकेली, उनके साथ चुपके से उंगली थामे चला आता है उनका भरा पूरा घर। वे पुरुष नहीं है, वे पुरुष नहीं है कि ड्राइंग रूम या गुसल खाने से उठकर सीधी चली आए दफ्तर। वे निकलती हैं घर के कोने कोने से, घर के बूढ़ों की दवाई। हेलो, हाँ, जी पता नहीं कौन सा लेगा। अजय भैया आपका माइक ऑन है कि वे निकलती है घर होने से, घर के बूढ़ों की दवाइयों की फिक्र, घर वालों के स्पेशल खाने की फरमाइश, दूर के रिश्तेदार का उलाना, मौसेरी पर गाढ़े वक्त में सगी से भी सगी बहन के बेटी के ब्याह की चिंता, कमर में टीसता दर्द और भी न जाने क्या क्या साथ लिए बिलांगती है घर की ज्योरी। कमर पर काटती चिकोटियों और देह पर महसूसते बेजा दबावों के साथ वे पहुंचती हैं दफ्तर। रात भर से सूना और बेजार पड़ा दफ्तर खिलखिला उठता है उनकी आमद से। दफ्तर के कोने कोने में उजास की तरह फैल जाता है घर। मुस्कुरा उठती हैं कुर्सियां, मेज और फाइलें। लंच ब्रेक में खाने के डिब्बे के साथ एक साथ खुल जाते हैं न जाने कितने घर। किसने क्या बनाया, कौन क्या लाया, आज यही क्यों बनाया। किसने क्या बनाया, कौन क्या लाया, आज यही क्यों बनाया। ढेरों बातें, बातों का अंतहीन सिलसिला, पर कोई भी बात पूरी नहीं होती घर के जिक्र के बगैर। गरज यह कि समझ ही नहीं आता दफ्तर में घर है, घर औरतों के लिए है या कि औरतों में ही रहता है उनका घर। अनगिन फाइलों के बीच अपना काम समेटती वे बार बार परे धकेलती हैं घर को, पर घर है, पर घर है कि किसी प्रेमिल किंतु हठीले बच्चे की तरह थोड़ी पर हाथ धरे एक टक निहारता रहता है उन्हें। शाम को घर पहुंचने से पहले ही वे बनाने लगती हैं खाका कि खुद को कहां कहां, कैसे कैसे और कितना कितना देना है घर के कोने कोने में। दफ्तर अब उदास है, दफ्तर अब उदास है, वह बलात् खुद में घुस आए घर की अंगुली पकड़ जाना चाहता है उनके घर। पर औरतें बड़ी पोशीदगी से कल फिर मिलने का वादा कर उससे छुड़ा लेती हैं अपना दामन। औरतों को अपने संग दफ्तर को घर ले जाना मंजूर। ये कविता थी दफ्तर में औरतें और ये कविता संग्रह सहसा कुछ नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार कविता संग्रह को निजी तौर पर भी सब लोग देखें। बहुत हमारे बीच में फाउंडेशन के सचिव डॉक्टर कृपा शंकर जी भी मौजूद हैं, रास्ते में हैं वो प्रवास पर। मैं उनसे आग्रह करूंगा अगर उन तक आवाज पहुंच रही हो तो, क्योंकि उनके बिना ये वेबिनार जो है ना हमेशा अधूरा लगता है। तो अगर डॉक्टर चौबे मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है अनिल जी?
जी आ रही है आप जी, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत अजय जी। औरत हूं मगर सूरते को हसार खड़ी हूं, एक सच के तफस्सुब के लिए सबसे लड़ी हूं। जब फरहत जाहिद ये फरमाते हैं तो शायद वो हम पुरुषों को आईना दिखाने का काम करते हैं कि आज के समाज में, आज के वर्तमान पीढ़ी में, जब नारी अपने घर को छोड़ करके, या जैसा रक्षा जी ने फरमाया कि घर को दफ्तर में ले जाए या दफ्तर को घर में लेकर के जब वो आगे आती है, तो हम पुरुषों की भी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि हम उन महिलाओं का सम्मान करें और हमेशा उनको कटघरे में ना खड़ा करें, उनको अप्रिसिएट करें, उनके समाज में होने वाले उनके दायित्वों को और उनके योगदान को स्वीकार करें, जिससे कि समाज को एक बेहतर दिशा और दशा दी जा सके। हमारे आज के दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा जी, और बहुत आभार आदरणीय माला दीदी। माला दीदी से पहली बार चर्चा हुई थी कल शाम को, क्योंकि पारिवारिक कारणों की वजह से मैं कल शाम से लगातार इधर से उधर अस्त व्यस्त हूँ, पर बहुत सुन के अच्छा लगा माला दीदी आपको। हम आपसे आगे भी मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे। राकेश भाई साहब जी के सौजन्य से हमको आपको सुनने का मौका मिला, और इस विषय पर अभी मेरे पास एक सुझाव आया है कि इस विषय पर पुरुष क्या सोचते हैं उस पर भी एक बातचीत होनी चाहिए, तो आगामी सत्रों में इस पर हम एक चर्चा कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना ये कि आगामी हफ्ते हम अपने 100वें वेबिनार में महिला आयोग की अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आदरणीय रेखा दीदी को सुनेंगे, और आज भी संख्या मुझे लगा 70-72 पे अटक गई है, तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि संख्या को 250 से 500 के बीच पहुंचाने के लिए जो भी प्रयास किए जाने हैं किए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। अनिल जी की तरफ से कुछ अगर सूचना हो तो आप रख सकते हैं, मेरी तरफ से इतना ही। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय खेमरिया जी, शॉर्ट नोटिस में आपने इतने अच्छे तरीके से वेबिनार का संचालन किया। एज यूजुअल अनिल जी, आपके बैक हैंड सपोर्ट के बिना हम इतना अच्छा वेबिनार कभी नहीं कर पाते, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रकाश शंकर जी। अनिल जी कोई सूचना है? बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ बिल्कुल, अभी हमारा 99th वेबिनार में जो भी नए पार्टिसिपेंट जो आज पहली बार चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के वेबिनार में हमसे कनेक्ट हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनसे एक आग्रह करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा 100th वेबिनार हो रहा है, एक मेगा सेशन होने जा रहा है, उसमें आप जरूर जुड़िए हमसे, और आपके कोई सुझाव हो तो हमसे चैट के थ्रू या हमारे ईमेल के थ्रू हमें आप पहुंच सकते हैं, आपके सुझाव हमें भेज सकते हैं। सेशन को अभी ओपन रखना जरूरी है, 10 मिनट से 15 मिनट तक अभी तो हमारे पास टाइम है, आप बने रहिए सेशन में। आपके जो सुझाव हैं या जो हमारे जो आपके गेस्ट स्पीकर हैं उनसे अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप हैंड रेज कीजिए, हम आपको टाइम देते हैं और आप अपनी बात रखिए प्लीज। क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स ले लीजिए अनिल जी, क्वेश्चन आंसर्स ले लीजिए कुछ जी। राकेश जी, राकेश जी, दया जी ने भी किया। दया जी क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। मेरा एक्चुअली, मैं माला दीदी और रक्षा दीदी दोनों को एक तो सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगी, इन्होंने बहुत अच्छे सब्जेक्ट को छुआ है, और उन्होंने जो भी बात कही कि कामकाजी महिलाओं की क्या स्थिति होती है, उनमें क्या प्रॉब्लम होती है, काफी अच्छी थी। लेकिन इसके साथ ही एक क्वेश्चन बड़ा दिमाग में आता है कि कामकाजी महिलाओं को लेके कई बार हम दो तरह की चर्चाएं करती है। मैं माला दीदी से पूछना चाहूंगी कि दफ्तरों में आजकल एक ट्रेंड होता है, जैसे कॉलेज एजुकेशन है या अदर एजुकेशन है, कि उनमें कई बार इलेक्शंस वगैरह में क्या होता है कि फील्ड वर्क में तो महिलाओं को नहीं भेजा जाता, और इंडिया में है स्पेशली ये ट्रेंड, फील्ड वर्क में महिलाओं को कम भेजा जाता है और लगभग पुरुषों को ही भेजा जाता है। तो कई बार पुरुष समाज के बीच बैठती हूँ और वहां ये क्वेश्चन उठता है कि जब हम महिला और पुरुष की बराबरी की बात करते हैं तो हर जगह फिर जब भी एक प्रकार का मुश्किल काम जो करना होता है कि वह महिलाओं को मौका क्यों नहीं दिया जाता, तो फिर महिलाएं क्यों बराबरी की बात करती है, ये क्वेश्चन अक्सर पुरुष समाज से उठता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अगर मेरा कहीं से वास्ता पड़े तो मैं क्या आंसर दे सकती हूँ कि उनको इस बारे में क्या बताया जा सकता है, मेरा आप थोड़ा सा इस बारे में बताएं। दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि बहनों को फील्ड का काम नहीं दिया जाता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको ध्यान में आते हैं कि जहाँ फील्ड पर बहनें काम कर रही हैं, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, जो बड़े महानगर जैसे शहर हैं, तो वहाँ ध्यान में आता है कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जो पहले पुरुष प्रधान सेक्टर थे,
लेकिन जब हम आज देखते हैं तो ऐसा ध्यान में आता है कि अब महिलाएं भी वहां पर हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एक पिंक गैंग है जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करने का जो है जो पुरुष ही करते थे, अभी महिलाएं भी करती हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा कि बस चलाने का, वॉल्वो बस जो है वो एक बहन चला रही है। तो ऐसा नहीं है कि बहनों को फील्ड का काम नहीं दिया जाता। ये हो सकता है कि जगह की परिस्थिति किस प्रकार की है, वहाँ किस प्रकार का वहाँ का नेचर है, जहाँ भेजना है, शायद उन बातों को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि निर्णय लिया जाता होगा कि वहाँ बहनों को भेजें या नहीं। ऐसा व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि बोलता ना देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाता है, तो वो एक कारण हो सकता है। लेकिन आप जिस भी सेक्टर में देखेंगी तो अभी तो ये है कि बहनें चुनौतियों का सामना कर जरूर रही हैं, लेकिन है सब जगह, बेलदार भी हैं, इसके अलावा जो रिजर्व पुलिस है उसमें भी बहनें हैं, हम सेना में जब देखते हैं तो कमीशन भी बहनों को मिला है, वहां भी बहनें हैं, प्लेन भी चला रही हैं, चार्टर्ड भी चला रही हैं, वहां से लगा करके अति सामान्य जो खेत में काम करने वाली जो अब बहनें ट्रैक्टर भी चला रही हैं, तो वहां तक जब हम देखते हैं तो कहीं तो ऐसा ध्यान में नहीं आता। और अभी जो कोविड के समय में पूरा जो समय निकला, इसमें जितना भी हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्वे कराया उसमें उन्होंने प्रयास पूर्वक महिलाओं को, लड़कियों को सर्वे का काम ज्यादा दिया। फील्ड सर्वे का जो काम था लगभग 70% काम लड़कियों ने और महिलाओं ने किया है। जी थैंक यू मैम। मैं इतना तो सब अपन को बिल्कुल सही है कि हर क्षेत्र में महिलाएं जा रही हैं, बट थोड़ा सा कई बार है ना कुछ सिर्फ एक मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कुछ बातें कर रही थी। मैडम दया जी हाँ जी हाँ जी ओके ओके सर सरिता जी आप नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिता बोल रही हूँ रेवाड़ी से। मेरा क्वेश्चन दोनों ही मैम से था कि प्राइवेट सेक्टर में एक ही काम के लिए जेंट्स को देते हैं ज्यादा सैलरी और लेडीज को देते हैं कम, तो एक ये इशू है, तो आप लोग क्या कहते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं? इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और समान कार्य के लिए समान वेतन किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, इस पर कई सारे कोर्ट के कई सारे निर्णय भी हैं, तो इस पर ये होना चाहिए या नहीं यह तो विवाद का विषय ही नहीं है। जहां पर ये हो रहा है उनकी किस तरह से कंप्लेंट हो, किस तरह से हायर अथॉरिटीज तक ये बात पहुंचाई जाए, इस विधि पर विचार किया जाना चाहिए। ये जो हो रहा है, अगर इस तरह का कुछ भी हो रहा है किसी भी जगह पर, तो गलत है, होना चाहिए। मैम ये प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत ज्यादा है। इसी भी देखिए मैं जिस तरीके की जब सोशल स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो हमारे सामने अभी माला जी ने भी कहा कि एक पूरी की पूरी हायरार्की है, पूरी की पूरी रेजीम है, छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक की महिलाएं। जैसे पीछे प्रश्न आया कि अगर कोई पुरुष जहाँ पर बैठते हैं, दया जी ने बोला तो उन्होंने कहा कि जब आपको एक अलग अलग तरीके के विरोधाभास है ना, एक जगह पुरुष कह रहे हैं कि आपको समान वेतन मिल रहा है, समान कार्य क्यों नहीं करती? आपका प्रश्न है कि समान कार्य कर रही है किंतु समान वेतन नहीं मिल रहा है, तो यही विरोधाभास है, यही संक्रांति का समय है। और मुझे लगता है कि इस समय जो भी मैनेजमेंट होता है उसके सामने अगर ये बात सही तरीके से रखी जाए तो उसका निराकरण हो सकता है, किया जाना चाहिए। अन्यथा अगर ऐसा हो रहा है तो ये असंवैधानिक है, ठीक नहीं है, नियम के विरुद्ध है। मैम प्लीज एक क्वेश्चन हो रहा है दोनों ही मैम से कि लड़कियों को बचपन से बाय बर्थ उसको कमजोर मान के चलते हैं, उसको अपना डिसीजन नहीं करते। यदि बचपन में ही उनको ये कह दे तुम बराबर हो तो फिर ये आगे की ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ये तो आपने समाधान बताया, ये तो समस्या है नहीं, समाधान इस बात में है। लेडीज को ये मान के चलते हैं कि नहीं तुम यहाँ रहो, लड़की हो घर बैठो, थोड़ा अच्छा नहीं है, तो बचपन से वो उनको ये करते हैं। तो मेरा सुझाव है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है कि बचपन से ही बच्चों को ये चीज किया जाए। दरअसल जो महिला की कमजोर परिस्थिति है, जैविक परिस्थिति है, वो जैविक स्टेटस से ज्यादा मनोवैज्ञानिक स्टेटस है। केवल एक स्थिति को छोड़ दिया जाए कि महिला गर्भाशय धारण करती है, इसके अतिरिक्त उसके और पुरुष के बल, सामर्थ्य, बुद्धि,
विवेक, इसमें किंचित मात्र भी फर्क नहीं, और इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि वह गर्भाशय हमारा प्रिविलेज होना चाहिए, क्योंकि हमें वह अतिरिक्त उपादान प्रकृति ने सौंपा है, किसी योजना के तहत सौंपा है, सहर्ष सौंपा है, तो हम उसे सहर्ष ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त कोई भी और अंदर केवल एक सोशल स्टीरियोटाइप है, एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, और आपने खुद उसका जवाब दिया कि अगर हम बचपन से ही बच्चों को ये बता करके रखें कि इस अंतर के सिवा, इस जैविक अंतर के सिवा और कोई अंतर स्त्री या पुरुष में नहीं है, खासतौर से बुद्धि के स्तर पर, विवेक के स्तर पर तो बिल्कुल नहीं है, सामर्थ्य के स्तर पर भी नहीं है, तो ये समस्या कभी उत्पन्न ही नहीं होगी। तो इसके लिए हमें बहुत शुरू से, कई दफा जब पौधा खराब होने लगता है ना, तो हम उसे ऊपर से थोड़ा काटते छांटते हैं, जड़ों की खोदबीन करते हैं और उसको एक अच्छा नरिशमेंट देते हैं। एक बार फिर से हमें जड़ों की तरफ लौटने की जरूरत है, और ये जिम्मेदारी भी बेशक महिलाओं को ही उठानी पड़ेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्वेश्चन पूछिए अरविंद जी। अरविंद जी, मेरा एक सवाल है। अरविंद खुराना जी, प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए। सर आपने हैंड रेस किया है, प्लीज। जी सर, जी सर, मैं रक्षा चौबे जी से ही सवाल करना चाहूंगा। पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी अधिकारी, उनको हमें सुनने का मौका मिला। मेरा सवाल ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारी संसद ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया है, हर कॉर्नर में बराबरी का दर्जा दिया है, लेकिन जब उनको वो मुकाम हासिल हो जाता है तब एक नई चीज सामने आ जाती है, तब वो अपना वल्नरेबल सेक्शन की बात करती हैं। क्या ये सही है या ये गलत है? वकील साहब नमस्ते। वल्नरेबल होना दरअसल क्या है, वल्नरेबल होना वल्नरेबल नहीं है कोई, और वल्नरेबल है ये कानून की इबारत नहीं होना चाहिए। ये दरअसल हमारे समाज में हर एक व्यक्ति के दिमाग में लिखी इबारत होनी चाहिए कि कोई सेक्शन वल्नरेबल कब तक है और कब तक नहीं। मसलन मैं अगर एक युवा महिला हूँ, समर्थ हूँ, और मैं बस या ट्रेन में यात्रा करती हूँ, तो मैं केवल इसलिए सीट की सहभागिता के लिए अपना दावा पेश नहीं कर सकती हूँ कि मैं महिला हूँ, चाहे वहां पर 60 इयर्स का कोई पुरुष खड़ा हो। मुझे चाहिए, महिलाओं को चाहिए कि वो ओपन हार्टेड बोलें कि आप बैठो, उसमें सामर्थ्य मैं खड़ी रहूं। मसलन जब सिविल सर्विसेज के दौरान सिलेक्शन की बारी आती है, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने अनरिजर्व्ड कोटे में सीट हासिल करी है, मैंने रिजर्व कोटा उसमें नहीं डाला। कारण है कि जब हम एक्सेलेंस के बेस पे आगे आ जाते हैं, तो आगे होकर के वल्नरेबिलिटी का ये चोला हमें खुद उतार देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही संदेश सभी महिलाओं को देना चाहता था, और आपने बिल्कुल सही संदेश दिया। थैंक यू वेरी मच जी, धन्यवाद भाई। जी आपसे एक और क्वेश्चन है, एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। विदेशों में या डेवलप कंट्री में ऐसा पाया गया है कि बच्चों की अगर अच्छे से केयर नहीं की गई तो वहाँ पनिशमेंट है। अगर ये नियम इंडिया में भी लागू हो गया या हो जाए, या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो उससे हम कैसे कोप अप करेंगे, या महिलाएं जो वर्किंग वुमेन है या पुरुष भी कितना कोऑपरेट कर पाएंगे अगर ऐसा नियम भारत में आ गया कि हाँ आपको अपने बच्चों की केयर प्रॉपरली करनी है, डजंट मैटर कि आप वर्किंग है या नहीं है। मेरा क्वेश्चन पूछ सुना आपने अर्षा जी? आपकी आवाज बहुत क्रैक हुई, प्लीज फिर से बोलिए अनिल जी। क्वेश्चन ये है कि बाहर डेवलप्ड कंट्रीज में, विदेशों में ऐसा नियम है कि अगर बच्चों की केयर प्रॉपरली नहीं की गई तो पनिशमेंट है पेरेंट्स को, अगर ये नियम इंडिया में भी आ जाता है तो हम कैसे कोप अप करेंगे इसको? भारतवर्ष की जो इंटरनल डायनेमिक्स है हमारे समाज की, उसमें इस तरह के नियमों की जरूरत पड़ना नहीं चाहिए। जो हमारी समाज की आंतरिक गति की है वो हमें बच्चों को सदा से ही
अपने से आगे रख के चलने का, और उनको उनकी जो वल्नरेबल बात है कि उनकी वल्नरेबिलिटी को संभालते हुए उसका पोषण करते हुए आगे चलने के लिए कहता है। ये उन देशों की समस्याएं हैं या उन जगहों की समस्याएं हैं जहां पर इस प्रकार की परवरिश में इस प्रकार का एक जो सांस्कृतिक अवदान है उनका वो इस तरह का है। हमारे यहाँ